हेलो एवरीवन टुडे इन बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास इलेवेंथ पब्लिक कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज़ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कारपोरेशन देयर स्टूडेंट इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पब्लिक कारपोरेशन नाउ इन दिस वीडियो आई एम गॉइंग टू डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशन दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट मेरिट ऑफ पब्लिक कारपोरेशन दैट इज़ हाई डिग्री ऑफ़ फ्लैक्सीबिलिटी पब्लिक कारपोरेशन इंजॉय हाई डिग्री ऑफ़ फ्लैक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल फ्रीडम सिंस इट इज़ फ्री फ्राम अनडिज़ायरेबल गोरमेंट कंट्रोल ये कहा जाता है कि पब्लिक कारपोरेशन की ऑपरेशन में फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को करने में काफ़ी फ्रीडम दिया जाता है क्योंकि गोर्मेंट की इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत कम होती है और इसकी वजह से जो बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन्हीं के द्वारा पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग की जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रेगुलर इंटरफेरेंस हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं और इसकी वजह से जो पब्लिक कॉरपोरेशन है अपनी एक्टिविटीज़ में अपने ऑपरेशनस में काफ़ी फ्रीडम उनको मिलता है जिससे कि एज पर द सिचुएशन दे कैन डू द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सो इट इज़ कॉल्ड देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी नाउ द नेक्स्ट इज़ लिस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जैसा आपको बताया गया कि पब्लिक कॉरपोरेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस होती है वो बहुत ही कम होती है सिंस दिज ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड एज देर इज़ नो बजट एलोकेशन ऑफ फॉर फंड फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बजट के थ्रू कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर पब्लिक कारपोरेशन को नहीं दिए जाते हैं जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वही रेवेन्यू पब्लिक कॉरपोरेशन अपने यहाँ यूज़ करता है सो देर इज़ नो मच गवर्मेंट इंटरफेयरेंस इन द फाइनेंशियल मैटर ऑफ़ कारपोरेशंस इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटरफेरेंस है फाइनेंशियल मैटर को ले करके कारपोरेशंस में नहीं होता है या बिल्कुल ही कम इंटरफेरेंस होता है इसलिए यहाँ पर कहा गया देर इज़ द लिस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द पब्लिक कारपोरेशन नाउ नेक्स्ट इज़ ऑटोनोमस स्टेटस पब्लिक कॉर्पोरेशन को ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया है क्योंकि आपको स्टार्टिंग uh, में ही बताया गया था कि पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सेटअप बाई पासिंग एन स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर विद इन द प्रिव्यू और अथॉरिटी ग्रांटेड टू देम बाई द एक्ट जो भी एक्ट बनाया गया है जो भी स्पेशल एक्ट के थ्रू यहाँ पर इनका जो फॉर्मेशन हुआ है इसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत ही वो सभी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम किया जाता है जो पावर्स हैं लिमिटेशंस हैं यहाँ पे फ्रेम कर दिया जाता है और उसके आधार पर पब्लिक कारपोरेशन को पूरी फ्रीडम ऑटोनॉमस स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए पूरे अधिकार इनको दिए जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो थर्ड इसका बेनिफिट है दैट इज़ पब्लिक कारपोरेशन हैव द ऑटोनॉमस स्टेटस नेक्स्ट इज़ हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक कारपोरेशंस का जैसे हमने बताया एयर इंडिया है एल आई सी है जी आई सी है ओ एन जी सी है इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक कारपोरेशन के तौर पर काम कर रहे हैं आर बी आई है दे आर वर्किंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री पब्लिक कारपोरेशन कंट्रीब्यूट टूअर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन है समटाइम इट कम्बाइंड विद द इनिशियेटिव ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस कभी कभी ये प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज के साथ भी आ, मिल कर के काम करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका मेरिट है दैट इज़ हेल्पस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी पब्लिक कॉरपोरेशन का जो स्टेटस है वो स्टेबल स्टेटस है सिंस दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल चेंज गवर्नमेंट में चेंज हो इसका कोई फ़र्क इनके एग्जिस्टेंस पर नहीं होता है ये कॉरपोरेशन कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं दे कैन टेक लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसीज़ इसीलिए यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ इनके द्वारा बनाई जाती है वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है गवर्नमेंट में चेंज होने का कोई इफ़ेक्ट इनके एग्जिस्टेंस पे इनके बिजनेस पर इनके एक्टिविटीज़ पर नहीं होता है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ पब्लिक कारपोरेशन अब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे पब्लिक कारपोरेशन की कुछ कमियाँ भी हैं कुछ डिमेरिट्स भी हैं पहली जो डिमेरिट्स हैं दैट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी पब्लिक uh, कारपोरेशन के रूल बनाए गए हैं ये बहुत ही रिजिड कहा जाता है क्योंकि इसमें चेंजेस आसानी से नहीं हो सकता है इट डज़ नॉट इन्जॉय वेरी मच ऑपरेशनल फ्लेक्सीबिली एज़ इट इज़ गवर्न बाय द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्पेशल एक्ट जो स्पेशल एक्ट के थ्रू इनकी फॉर्मेशन की गई उसी रूल uh, के तहत Uh, उसी स्पेशल एक्ट में इसकी सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन किया गया है और उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते ही uh, ये पब्लिक कारपोरेशन वर्क करेगी एनी अमेंडमेंट कैन बी डन ओनली थ्रू पार्लियामेंट आर कंसर्न स्टेट असेंबली विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं कोई संशोधन करना चाहते हैं अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो अगेन उसी पार्लियामेंट में जाना होगा जहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई है या उसी स्टेट असेंबली में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये स्पेशल एक्ट पास करके इसकी फॉर्मेशन की गई है तभी हम इसके स्ट्रक्चर में या रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस कर पाएंगे इसीलिए कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिजिड स्ट्रक्चर इसमें हम आसानी से चेंजेस नहीं कर पाते हैं इसलिए इसको एक लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन कहा गया है नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसा कि ये कहा गया कि यहाँ पे जो लिस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो है इन पब्लिक कॉरपोरेशन कंप्लीट ऑटोनॉमी इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है उनका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस पब्लिक कॉरपोरेशन की एक्टिविटीज़ में होता है प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं इन पब्लिक कारपोरेशन में uh, की एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करते हैं और जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है इसलिए ये एक लिमिटेशन के तौर पर इस पॉइंट को देखा जाता है कि देर इज़ अ पब्लिक पोलिटिकल इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक कारपोरेशन नेक्स्ट इज़ अनफेयर प्रैक्टिसज या चांसेज ऑफ करप्शन करप्शन होने के चांसिस होते हैं कहा जाता है अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है बाई द पब्लिक कारपोरेशन एज़ यू सी सीयर द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए पब्लिक कारपोरेशन में इंडल्स इन अनफेयर प्रैक्टिस वो इंडल्ज हो सकती हैं अनफेयर प्रैक्टिस को करने के लिए ऑफिसियल में मिस यूज़ द आटोनॉमी स्टेटस ऑफ देयर पर्सनल गेन और जो ऑफिशियल्स को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको जो ऑटोनॉमी दी गई है उसका ये यूज़ मिस यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए सम टाइम पब्लिक कॉरपोरेशन में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इन एफिसियंसी अपनी एक्टिविटीज़ में इनफ़िशियंसी जब आ जाती है तो उसको कवर करने के लिए कभी कभी ये पब्लिक कारपोरेशन अपनी सर्विसेज की प्राइसेस को इनक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें उसको कवर कर सकें तो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखी जाती है तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि देयर इज चांसिस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसज इन द पब्लिक कारपोरेशन दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कारपोरेशन नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इनिशिएटिव ये कहा जाता है कि इंप्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिटेशंस हैं कि इंप्लॉयज़ के अंदर Uh, जो इनिशिएटिव का लेबल uh, है ये काफ़ी कम पाया जाता है वो uh, आगे बढ़ के काम नहीं करना चाहते बिकॉज़ देर इज़ लैक ऑफ इंसेंटिव उनको कोई इंसेंटिव ऑफर नहीं किया जाता इसलिए यहाँ पे इनिशिएटिव की कमी पाई जाती है पब्लिक कारपोरेशन डो नाट है फेस एनी कंपटीशन एंड any competition and are not guided by profit motive. So the employees do not take initiative to increase the profit and reduces loss. तो यहाँ पे जैसा हमने बताया आपको कि इनके साथ competition बहुत कम होता है या competition इनको फेस नहीं करना होता है पब्लिक corporations को इसलिए जो है ये यह यहाँ पर ये प्रॉफिट मोटिव के साथ इनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं और इम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर जो है इनिशिएटिव नहीं लेते हैं क्योंकि उनको भी यहाँ पर किसी तरह के इंसेंटिव नहीं मिलता है उनके स्पेशल एक्ट के लिए इसलिए यहाँ पर जो है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको इम्प्लॉइज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष उनको बेनिफिट नहीं मिलता है इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ इनिशिएटिव पाया जाता है एमंग द इम्प्लॉयज़ सेंस ऑफ कम्पिटिशन एंड प्रॉफिट मोटिव लिड्स टू इनफिस ऑपरेशन और इसी वजह से यहाँ पर जो है कंपटीशन ना होना और प्रॉफिट मोटिव ना होना जो है इनएफिशेंसी पब्लिक कारपोरेशन्स के एक्टिविटीज़ में ले आता है दैट्स व इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कारपोरेशन नेक्स्ट इज़ डी इन एक्शन ये कहा जाता है कि पब्लिक कारपोरेशन में डिसीजन में देरी हो सकती है और इसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो टाइमली नहीं हो पाती हैं बिकॉज क्विक डिसीजन के नॉट बी टेकन बाई द ऑफिशियल्स बिकॉज ऑफ़ द इन्वॉलमेंट ऑफ गोरमेंट नामिनी इन द डायरेक्टर्स बोर्ड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसमें जो गोरमेंट की तरफ से लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और इनके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग में जो है डिले किया जाता है और उस कंडीशन में यहाँ पर जो है आ, जो टाइमली एक्सन होना चाहिए पब्लिक कारपोरेशन में उसमें चांसेज होते हैं कि उसमें देरी हो जाती है क्विक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन्स ऑफ पब्लिक कारपोरेशन अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सूटेबलिटी क्या है पब्लिक कारपोरेशन किस कंडीशंस uh, में बनाना सूटेबल है या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने होते हैं जब हम पब्लिक कारपोरेशन को सेटअप गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो फर्स्ट कंडीशन इज़ वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मोनोपोली पावर्स जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो ऑर्गनेशन सेटअप किया जाए उसको मोनोपोली दिया जाए इकोनॉमी uh, के अंदर तो उस समय पब्लिक कारपोरेशन एक सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वे आर ऑर्गेनाइशन रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंस बाई एक्ट आर एस और दूसरी कंडीशन है कि जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल पावर देना चाहते हैं विधान के अंतर्गत नेक्स्ट इज़ वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हम जहाँ चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दोनों एक साथ दिया जाए तो उस समय पब्लिक कारपोरेशन एक सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और हम जहाँ चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर उनको कुछ ग्रांट मिलता रहे और ये अपनी एक्टिविटीज़ को करते रहें तो उस कंडीशन में पब्लिक कारपोरेशन एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो दिस इज़ द सुटेबलिटी ऑफ पब्लिक कारपोरेशन आई होप आपको पब्लिक कारपोरेशन के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस समझ में आए होंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप वाचिंग लाइक एंड शेयर